इंडियन टेलीविजन का सबसे मोस्ट पॉपुलर क्राइम शो सीआईडी अब बंद होने वाला है। हमें पता है आप भी दुखी हैं, लेकिन ये सच है कि अब से आपको एसीपी प्रद्युमन का फेमस डायलॉग कुछ तो गड़बड़ है दया सुनने को नहीं मिलेगा। और अब आप दरवाजा तोड़ दया को भी मिस करने वाले हैं। सीआईडी ने 21 सालों से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में ये शो अचानक क्यों बंद हो रहा है, इसके पीछे का कारण हमारे हाथ लगा है। दरअसल सीआईडी शो में दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी ने बताया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, शो की टीआरपी मिल रही थी, लेकिन फिर अचानक प्रोड्यूसर बीपी सिंह का फोन आया कि शो को बंद करना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। आपको बता दें कि सीआईडी ऑन एयर 1997 में हुआ था, जिसके बाद सीआईडी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई और कुछ दिन पहले ही अपने शानदार 1546 एपिसोड पूरे किए थे सीआईडी ने। लेकिन अफसोस, अब 21 सालों बाद सीआईडी का आखिरी एपिसोड 29 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा और शो के बंद होने की खबर से सबको बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर भी सीआईडी के बंद होने की खबर वायरल हुई, तब से शो के फैंस सोशल मीडिया पर इस शो को बंद ना करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल आप सीआईडी के बंद होने पर शो को कितना मिस करने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। इंडियन टेलीविजन का सबसे मोस्ट पॉपुलर क्राइम शो सीआईडी अब बंद होने वाला है। हमें पता है आप भी दुखी हैं, लेकिन ये सच है कि अब से आपको एसीपी प्रद्युमन का फेमस डायलॉग कुछ तो गड़बड़ है दया सुनने को नहीं मिलेगा। और अब आप दरवाजा तोड़ दया को भी मिस करने वाले हैं। सीआईडी ने 21 सालों से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में ये शो अचानक क्यों बंद हो रहा है, इसके पीछे का कारण हमारे हाथ लगा है। दरअसल सीआईडी शो में दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी ने बताया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, शो की टीआरपी मिल रही थी, लेकिन फिर अचानक प्रोड्यूसर बीपी सिंह का फोन आया कि शो को बंद करना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। आपको बता दें कि सीआईडी ऑन एयर 1997 में हुआ था, जिसके बाद सीआईडी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई और कुछ दिन पहले ही अपने शानदार 1546 एपिसोड पूरे किए थे सीआईडी ने। लेकिन अफसोस, अब 21 सालों बाद सीआईडी का आखिरी एपिसोड 29 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा और शो के बंद होने की खबर से सबको बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर भी सीआईडी के बंद होने की खबर वायरल हुई, तब से शो के फैंस सोशल मीडिया पर इस शो को बंद ना करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल आप सीआईडी के बंद होने पर शो को कितना मिस करने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी